अब हम आपको काबुल एयरपोर्ट से हमारी साहसिक रिपोर्टिंग का दूसरा हिस्सा दिखाते हैं। आपको याद होगा कल हमने आपको बताया था कि जी न्यूज भारत का पहला न्यूज चैनल है जो काबुल एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश कर पाया और जिसने आपको काबुल एयरपोर्ट के अंदर से रिपोर्टिंग दिखाई। इस समय जब हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं तब भी काबुल एयरपोर्ट के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा है। अनुमान है कि 10 लाख लोग अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाहते हैं, 10 लाख। लेकिन आज शाम तक 82,300 लोगों को वहां से निकाला जा चुका है। इनमें भी ज्यादातर लोग वो हैं जो विदेशी नागरिक हैं या जिनके पास किसी न किसी देश का वीजा पहले से ही मौजूद था। ये वो लोग हैं जो वहां से निकल पाए। अफगानिस्तान के आम लोग नरक जैसी स्थिति में एयरपोर्ट के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और ये जो बारी का इंतजार करने की बात हम कह रहे हैं ये एक लॉटरी की तरह है, ऐसी लॉटरी जो शायद किसी की लगे किसी की ना लगे। इनमें से कई लोगों ने आज एयरपोर्ट में घुसने के लिए एक गंदे नाले से जाने की कोशिश की। एयरपोर्ट के इस हिस्से में किसी भी व्यक्ति के लिए 10 मिनट भी खड़े रहना मुश्किल है, लेकिन ये लोग इस गंदे नाले में पिछले कई दिनों से खड़े हुए हैं इस उम्मीद में कि शायद किसी दिन इनकी किस्मत खुल जाए और ये गलती से ही सही एयरपोर्ट के अंदर घुस जाएं। ये एयरपोर्ट के बगल से एक गंदा नाला है और ये इतना गंदा नाला बताया जाता है कि यहाँ पर शायद आप लोग तो 10 मिनट भी खड़े नहीं रह पाएंगे। लेकिन देखिए इन अफगानिस्तान के लोगों को, ये कई कई दिनों से पानी में इस गंदे नाले में खड़े हुए हैं। इन लोगों का दर्द और बेबसी यहीं तक सीमित नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास अब पीने का पानी और खाने के लिए भी कोई पैसा नहीं बचा है और एयरपोर्ट के बाहर जो पानी इस समय मिल रहा है वो इतना महंगा है कि कई लोग तो इसे खरीदने के बारे में अब सोच भी नहीं सकते। काबुल एयरपोर्ट के बाहर पानी की एक बॉटल की कीमत 40 US डॉलर्स यानी लगभग भारत के 3,000 रुपए है, जबकि एक प्लेट चावल के लिए लोगों को 100 US डॉलर्स यानी 7,500 रुपए देने पड़ रहे हैं। सोचिए काबुल एयरपोर्ट के बाहर इंतजार करना भी कितनी बड़ी और कितनी महंगी चुनौती है। बड़ी बात यह है कि यह पानी और खाना भी उन्हीं लोगों को मिल रहा है जिनके पास US डॉलर्स हैं, क्योंकि जो बेचने वाले हैं, जो पानी बेच रहे हैं खाना बेच रहे हैं, वो पेमेंट डॉलर्स में ही ले रहे हैं। अफगानिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब भी काबुल एयरपोर्ट के बाहर 50,000 के आसपास लोग जमा हैं और इसकी वजह यह है कि वहां इसकी वजह से वहां इतना भयानक जैम लगा हुआ है कि एयरपोर्ट तक पहुंचना भी एक युद्ध जीतने के बराबर है। ये सैटेलाइट द्वारा तस्वीरें ली गई हैं जो इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। ये जो तस्वीरें हमें मिली हैं ये सैटेलाइट द्वारा ली गई तस्वीरें हैं जिनमें से आप देख पाएंगे कि कितनी भीड़ है एयरपोर्ट पर, कितनी बड़ी संख्या में लोग एयरपोर्ट के अंदर हैं और बाहर हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, ये है एयरपोर्ट के बाहर लगा बहुत लंबा ट्रैफिक जैम। और बड़ी बात यह है कि हजारों लोगों की इस भीड़ में किसी को भी कोरोना वायरस का जरा सा भी डर नहीं है। किसी के चेहरे पर आपको मास्क नहीं दिखेगा। इनको डर है तो सिर्फ तालिबान का, यानी तालिबान का जो डर है वो कोरोना वायरस से कहीं बड़ा है, कहीं भयानक है। कोरोना वायरस के बारे में तो अफगानिस्तान में कोई सोच भी नहीं रहा। अफगानिस्तान में अब भी कोरोना के लगभग 45,000 सक्रिय मामले हैं। सोचिए पूरे अफगानिस्तान में 45,000 कोरोना वायरस के मामले हैं और आज भी वहां कोरोना के 77 नए मामले मिले हैं। हालांकि ये संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है क्योंकि वहां पर टेस्टिंग नहीं हो रही, क्योंकि जब से तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया है तब से वहां कोरोना के सही मामले रिपोर्ट ही नहीं हो रहे। अस्पतालों में कोई सुविधा नहीं बची, ना डॉक्टर बचे हैं, ना नर्स बची हैं, ना दवाइयां हैं। इसे विडंबना कहेंगे कि जिस बीमारी को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी दुनिया के लिए महामारी घोषित किया उसके अफगानिस्तान में 70 नए मामले आने पर कोई लॉकडाउन नहीं लगता, लेकिन न्यूजीलैंड में एक दिन में सिर्फ 42 नए मामले मिलने पर ही पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया जाता है। इससे पता चलता है कि कोविड की बीमारी भी उन देशों और लोगों के लिए ही है जिनके पास लग्जरी है, और अफगानिस्तान में ये लग्जरी लोगों के पास नहीं है। बीमार होने की सुविधा अफगानिस्तान के लोगों के पास नहीं है। कोरोना वायरस तो बहुत दूर की बात है। यहां पर एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि जो पश्चिमी देश दुनिया भर के देशों को लोकतंत्र और मानव अधिकारों के लिए सर्टिफिकेट बांटते हैं, वो आज अपने ही लोगों को बाहर निकालने के लिए अफगानिस्तान की मेडिकल सप्लाईज को रोक कर बैठे हैं। वो भी तब
जब WHO ने कहा है कि अगले एक हफ्ते में अफगानिस्तान में तमाम मेडिकल सप्लाईज खत्म हो जाएंगी, तमाम दवाइयां खत्म हो जाएंगी, अस्पताल में किसी का इलाज नहीं हो पाएगा, सिर्फ एक हफ्ते की दवाइयां बची हैं। काबुल एयरपोर्ट के इर्द गिर्द घूमती ये वो कहानियां हैं जो बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन पश्चिमी देश इन सब कहानियों पर बिल्कुल खामोश हैं। आज हमने इस पर आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है जो अफगान संकट पर आपको सही और सटीक जानकारी देगी, इसलिए इस रिपोर्ट को देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मैं इस वक्त काबुल एयरपोर्ट की मिलिट्री साइट के ईस्टर्न गेट पर मौजूद हूँ। सीधे हाथ पर जो ये दीवार है ये ईस्टर्न गेट की है, ये रास्ता आगे ईस्ट गेट को जाता है। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग कोस्टर्स में यहाँ मौजूद हैं। यहाँ से चार रोज़ कबल जब मैं यहाँ मौजूद था, जब मैं यहाँ पर आया था, तो यहाँ पर लोगों का एक जमे गफीर था जो कि अब बाय लार्ज जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है यूज़ ऑफ फोर्स के थ्रू तालिबान की जानिब से। دلتا ډیر وضعیت دردون کې ده خولاندی کې ماشومان خولاند سول بس د بد حالت ده بیخی بیخی سره خپاسي و نه څوک څه پختنه کوي هغه څوک ځستان لري بغه دغه بیل کې څوک څنګه دغه بیل کې یو بوتل اوبه دیر شو افغانۍ سلویخ افغانۍ پورې بوتل اوبه خرڅیږي او خوراک اته لږ چپس پہ پراتی وریځي خدا پرونی بلوزنی وریځي تازه نه دي په 100 روپۍ 80 روپۍ ڈالر دی افغانۍ نه دي دل پر راغلی چې حوازا وا چې امریکایان خلک ګوري خارج دی پاره ما ته ایمیل شوی و د لندن نه غوښتم چې لاړ شوم هغه اوس په دروازه کې هیڅوک موږ ته اجازه نه راکوي کافی راؤڈی بیہیویئر ہے یہاں پہ لوگوں کے ساتھ بھی جو ہمیں نظر آیا ہے اور لوگ جو ہیں یہاں پر ڈیسپریشن میں انتظار کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان کو موقع ملے اور وہ گیٹ تک جا کے ملٹری سائٹ کے اندر جا کے ملک چھوڑ کے جا سکے زی میڈیا کے لیے انس ملک کابل افغانستان سے Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.